When I woke up in the morning, I just found that the temperature is showing around 7 to 8 degree. It was freezing cold, trust me. पहाड़ों पे ना ठंड है, बट उसके साथ बहुत तेज हवा चल रहा है, उसी के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड. सो दिस इज द होटल वेयर वी विल बी स्टेइंग फॉर द नेक्स्ट 3 days एट पहाड़ों. होटल नेम इज होटल खमसुम. एज मेंशन इन अ प्रीवियस ब्लॉग, टुडे वी विल बी कवरिंग द टाइगर नेस्ट एट पहाड़ों, जिसका एक और नाम है पहाड़ों तकसंग. तो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रेक. आने और जाने में 6 to 6.5 घंटे लगने वाले हैं. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. तो राइट नाउ इट्स अराउंड 9 in the morning. तो यहाँ से 20 मिनट का ड्राइव है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. So we have reached the Tiger Nest starting point. This is the ticket counter from 7 a.m. to 1 p.m. and the entry fee is 2000 Neltrum for adults and 1000 for the children between 5 to 18 years. So got this entry pass for the Tiger Nest. This is the starting point of the Tiger Nest trek. Up a ticket counter. वहाँ से start करते हुए हम लोग इधर से पैदल चलते हुए जाएंगे on the top. अभी तो हम दोनों को छोड़ के और कोई दिख नहीं रहा है. द ऑल्टीट्यूड ऑफ द टाइगर नेस्ट इज अराउंड 3120 meters एंड आपको बेस से ही आपको दिख जाएगा कहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं. दैट इज आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन. उजी ड्रोलो आउट ऑफ 8 manifestation द फॉर्म दैट द गुरु रिंपोचे हैज टेकन इज अ गुरु दोजी ड्रोलो. ओके, यू कैन सी दैट दिस वन इज अ नोज, ओके, आईज एंड देन दिस वन इज अ माउथ. सो द लेफ्ट वन इज द दिस वन इज अ नोज eyes and then the mouth of guru rinpoche guru doji drolo the wrathful form guru doji drolo. The left one is the eyes shape and the front one is the nose shape and then the mouth shape. Birds basically. So our guide was saying ke on the way we might see this beautiful birds over here, but if we are lucky we might spot a few. I'm not sure GoPro में कितना हम लोग कैच कर पाएंगे. यू कैन सी इन द स्क्रीन दीज आर द स्पीशीज ऑफ बर्ड्स विच यू कैन, इफ यू आर लकी यू कैन सी देम. दिस एरिया इज सपोर्टेड बाय WWF. सो वी जस्ट गॉन थ्रू द हिस्ट्री एंड फाउंड दैट गुरु रिनपोचे और गुरु पद्मसंभवा फाउंडेड दिस प्लेस इन द 8th century व्हिच वाज लेटर बिल्ट इन द ईयर 1692. So you mean to say, if I am coming for 2-3 times, I will put 2-3 stones yeah, over here. Yeah, exactly. The number of times that they have been. But how they will keep track? This is mine, this is that. You have to know. It's a gradual steep. और ऐसे लकड़ी से लकड़ियों की सीढ़ी बनी हुई है. Climb काफी steep है, but gradually आप incline कर सकते हो. We found a unique thing on our way to Tiger Nest. तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके अंदर है 2 prayer wheels. ओके, सो ये जो पानी का फ्लो है, ये पानी का फ्लो की वजह से वो 2 prayer wheel है ना, वो घूमता रहता है. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द विंड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ दिस वाटर. सो इस सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम लोग को भी ऊपर जाना पड़ेगा. तो आई कैन से इट्स लाइक अ स्टीफ, बट द डिफिकल्टी लेवल इज ईजी टू मॉडरेट. Here in the signboard it is written that it's a brown oak tree. तो बीच बीच में ऐसा signboard आप लोगों को दिखेगा so that you can identify what kind of species it is. So far we walked for 15-20 minutes and yes of course I am feeling the heat. सुबह थोड़ा heavy breakfast करके निकला हूँ, अभी होगा पूरा workout. Come on up. Don't dance. So right now we are discussing that there is a shortcut and long route, but Tannim bhai told he prefers shortcut route. For you it can be easy, for us it will be difficult. Exactly. So this is the shortcut? Yeah, right side. Okay. Left side is the long way. Long way, this is the long way. Yeah. Like if you are riding a horse, then you will go on this side. But it's a shortcut one. It's okay. Not an issue. Instead of the shortcut route, we decided to take the long route. The only reason is, आज हम लोगों का ट्रेक का फर्स्ट डे है. ग्रेजुअली हाइट गेन करना इज़ द बेटर आइडिया, क्योंकि जितना आप ऑल्टीट्यूड गेन करोगे एयर थिन होते जाएगा. तो आप अगर आपका दूसरा तीसरा दिन है तो ठीक है, बट पहला दिन आप शॉर्टकट मत लो, ग्रेजुअली हाइट गेन करो. So
ऐसे ही स्टीप सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम लोग धीरे धीरे करके मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, देयर इज अ बिग रिवार्ड वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस. वहां से चलते हुए हम लोग आए इधर से. एज पर आवर गाइड वी हैव रीच्ड टिल द हाफ वे. टू रीच एट दिस पॉइंट वी टूक अराउंड 1 आवर. अभी भी 45 एक घंटा लगेगा टू रीच आवर अल्टीमेट गोल. जब मंजिल आप लोगों को बहुत पहले से दिखता हो ना तो अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है, और मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है. बहुत पहले से मेरे को मंजिल दिख रहा था तो अंदर एक अलग ही मैं वो वाइब्स जोश फील कर रहा था. इफ़ यू आर कैरिंग एनी प्लास्टिक और गार्बेजेस प्लीज़ ट्राई टू कीप इन दिस एरिया. दिस इज द सेपरेट एरिया दे हैव मेड. डोंट लिटर हियर एंड देयर. इफ यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट बिफोर हाइकिंग टू द अल्टीमेट स्पॉट देर इज अ कैफे नेम तकसंग कैफे. दिस इज द गेट एंट्रेंस स्पॉट. सो यहाँ से चलते हुए आगे वहाँ तक आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट या वॉशरूम यूज कर सकते हो, और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना चाहो तो कर सकते हो. दिस इज द हाफ वे एज मेंशन्ड बाय द लोकल पीपल. आप लोगों को क्लियर व्यू मिलेगा वो टाइगर नेस्ट का. And this is the entire ambience of this place. You can say this is a proper viewpoint also. आगे एक और जगह है जहाँ से हम लोगों को फोटो उठाने का मौका मिलेगा. I think that's the point. जहाँ से आपको पूरा पीछे का ये व्यू आएगा. बट नीचे से ही कितना सुंदर लग रहा है देखो. Utter surprise. Today we were lucky enough that we met current king's mother and Indian ambassador. Like they were also doing this trek till Tiger's Nest. So उन लोगों के सामने हम लोगों ने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हम लोगों ने नहीं किया. Like we talked for about 5 minutes. हम लोगों ने बोला कि your country is very beautiful. सच में बहुत सही है. And they also welcomed us in their country in their own way. So it was good experience. And right now we are having some tea or coffee at this Taksang Cafe. Here in this cafe, you will get all kind of coffee, tea, milk tea, snacks. You can have some sort of eclairs, marble cake. Price is reasonable, I must say, depending on the altitude and the place. Let's go. Kusu Sampola. Kusu Sampo. Hello. 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 Kusu Sampola. Kusu Sampo. Kusu Sampola. Kusu Sampola. Kusu Sampo. हम जाएगा तकसंग. या वी आर आल्सो गोइंग तकसंग के लिए. हां तकसंग के लिए. सेम सेम. वन गुड थिंग इज जितना चढ़ाई था वो अभी खत्म हो गया है. नाउ इट्स ऑलमोस्ट प्लेन बिकॉज़ वी आर वॉकिंग almost on the parallel altitude of Taksang Gompa. तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 घंटा लगा स्टार्टिंग फ्रॉम 9:30. बीच में आधा घंटे का ब्रेक लिया था. तो राइट नाउ इट्स 12 इन द आफ्टरनून टू रीच द फर्स्ट व्यू पॉइंट इन फ्रंट ऑफ तकसंग गोम्पा. दिस इज द फर्स्ट व्यू पॉइंट. हमारे गाइड भैया ने बोला इधर से भी फोटो अच्छा आता है, उधर से और भी बढ़िया फोटो आएगा. देख लो फर्स्ट व्यू पॉइंट का मज़ा ही कुछ अलग है. बहुत नज़दीक से हम लोग इसको देख रहे हैं ना. वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स द सेकेंड व्यू पॉइंट where we can clearly see the entire tiger nest. Here comes the ultimate picturesque viewpoint that I was talking about. Bengali mein hum log isko bolte hain shorgir shiri. It means stairs to the heaven, because to me it's nothing short of any kind of heaven.
डेस्टिनेशन टाइगर नेस्ट इज कॉलिंग एंड यहाँ से चलते हुए विल टेक दिस रूट आफ्टर दैट टेक द स्टेयर्स एंड गो ऑन टॉप एज सिंपल एज दैट टू सम एक्सटेंट इट लुक्स फ्राइटनिंग सीढ़ियों का स्ट्रक्चर देखते हुए बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए चलो पीपल ऑफ ऑल एजेस आर गोइंग सो आई डोंट थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम एंड दिस इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट इधर से वाटरफॉल का व्यू भी देख लो एकदम ऊपर से आ रहे हैं वहां से अरे भाई ये सीढ़ियां खत्म क्यों नहीं हो रहे फेक समिट्स एक चढ़ो तो दूसरा आ जाता है मतलब हर एक ट्रैक पे वो ही सेम किस्सा जिसको ही पूछूं 15 मिनट और भैया 20 मिनट और भैया चलो चलो आ गया दिस सम काइंड ऑफ मोटिवेटिंग थिंग दे यूज्ड टू गिव टू दिस ट्रैवलर्स एंड आई एम लिटरली गैस्पिंग एक क्विक अपडेट लाइक बिफोर एंटरिंग इनटू टाइगर नेस्ट दिस इज द फाइनल पॉइंट वेयर यू नीड टू सबमिट ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गोप्रो डीएसएलआरस एंड फोन्स एंड यहां पे एंट्री भी करना पड़ेगा एंट्री उसने कर दिया एंट्री कर दिया ओके तो यहां पे चेकिंग होगा उसके बाद हम लोग जाएगा अंदर दिस इज द लॉकर रूम वेयर वी नीड टू कीप आवर पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड दे विल गिव अ की टू अस व्हिच वन इज आवर्स कीप इट हियर इन जोंगखा तक संग तक मतलब टाइगर संग मीन्स नेस्ट सो इट इज बिलीव दैट गुरु पद्मसंभवा और रिनपोचे केम टू दिस प्लेस ऑन ए टाइगर्स नेस्ट इट्स नॉट टाइगर टाइग्रेस नेस्ट सो वहां से इसका नामकरण हुआ टाइगर्स नेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड देयर आर लाइक 13 टाइगर्स नेस्ट कंसिडरिंग दिस वन वेयर गुरु पद्मसंभवा मेडिटेटेड एंड परफॉर्म्ड बजरायना So why it is called holy, bhaiya? It comes from a cave. It comes from a cave and is very pure and very cold, right? Yeah, it contains a good minerals. Minerals also. Yes, this is the holy water. Taste बहुत अच्छा है. Taste is good. So inside photography and videography were not allowed. So like I have kept a lot of things in my mind just to inform you guys. First thing is like when you enter, first thing we'll see there are three giant paintings of three bodhisattvas. Three bodhisattvas are God of compassion, God of knowledge and God of power. Next, we visited the cave where Guru Padmasambhava meditated. And that cave is open once in a year. We moved to the next chamber of Guru Dorji Dolo. So Dorji Dolo is another form of Guru Padmasambhava. Last May, we came to know a lot of things about Buddhism, like Mahayana, Hinayana, like why they are offering different kind of prasad, why they are offering different kind of incense sticks just to please God. All this thing, lot of information. I am telling you the gist what I have seen there. Now it's time to click a proper photos and videos on our way to Paro. Okay, so let's go there. Woo! जब भी मैं वो इंटरनेट पे पिक्चर देखता था ना वो आई हैड दैट क्रेविंग दैट वन डे आई विल डेफिनेटली कम और आज जाके वो ड्रीम पूरा हुआ थैंक्स टू दिस गाय आल्सो अर्णव थैंक्स अ लॉट अक्टूबर 9 तारीख को ये झट से प्लान बनाया कि भूटान इज ओपन लेट्स डू दिस एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स डू दिस अगर आप पूरा वीडियो आपने देखा है अगर आगे भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बट एंड नहीं कर रहे व्लॉग को बट अगर यहां तक देख लिया तो व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए उसका चैनल का नाम है हियर गोज आर्नी एंड माइंड यू नो द बॉन्ग वेफेयरर तो सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज आपका एक एक सब्सक्राइब एक एक लाइक और कमेंट हम लोगों के लिए बहुत बहुत कीमती है टू थिंग्स आई फॉरगॉट टू मेंशन इन अप्रैल 1998 देयर वाज अ मैसिव फायर दैट ब्रोक आउट इन दिस टाइगर नेस्ट ट्रेक व्हिच वाज लेटर रिकंस्ट्रक्टेड सेकेंडली इफ यू आर गोइंग इनसाइड तो आप ये सनग्लास एंड टोपी उतर के जाना बिकॉज दैट थिंग इज नॉट एडवाइसेबल टू वेयर अ सनग्लास एंड कैप एंड गो इनसाइड इन द Inside the Tiger Nest Temple. तो ये दो चीज़ दिमाग पे रखना मैं बोलना भूल गया था अभी जाके मैं ऐड कर रहा हूँ सो मिशन टाइगर नेस्ट सक्सेसफुली कम्प्लीटेड डन एंड डस्टेड हमने ट्रेक खत्म कर लिया डाउनहिल आ गए पूरा बेस कैंप तक फाइनली टाइगर नेस्ट कंकर्ड अभी चलते हैं
होटल और जाके सीधा सो जाएंगे। अच्छा वन मोर थिंग बिफोर गोइंग टू होटल, हम लोगों को चढ़ने में एग्जैक्ट 2 घंटा लगा था और उतरने का टाइम मान लो 1 घंटा 15-20 मिनट, दैट्स इट। तो वो आपके फिटनेस के ऊपर है, हम लोग भी इतना प्रो ट्रेकर नहीं है, बट फिर भी मतलब इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। डिनर खत्म करने के बाद मेरे को याद आया, अरे व्लॉग का प्रॉपर एंडिंग तो मैंने ठीक से किया ही नहीं। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। इफ़ यू वॉन्ट टू डू द टाइगर नेस्ट ट्रेक, स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 8 or 9 AM, बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट लेट देन उतरने के टाइम अराउंड 4-4:30 PM इट विल गेट स्लाइटली डार्क, बिकॉज स्टैंडिंग ऑन November 2022 अभी 4-4:30 बजे के अंदर सनसेट हो जा रहा है। लाइक आई पर्सनली फील दैट एवरी वन शुड डू दिस टाइगर नेस्ट ट्रेक वंस इन अ लाइफ टाइम। As always, if you are new to the channel, then do subscribe my channel, The Bong Wayfarer, to get notified about our upcoming Bhutan travel vlogs. Besides, you can DM me your queries on Instagram as well as IamRoy92. Till then, goodbye, take care, see you soon.